दोनों पार्टियों के अच्छे सामन्वय को लेकर के चर्चा हुई। निकट भविष्य में होने वाले उपचुनाव, आने वाले निकाय के चुनाव, पार्लियामेंट के इलेक्शन और उसके साथ साथ हिमाचल के इलेक्शन, जो आने वाले चुनाव हैं उसमें दोनों पार्टियां मिलकर के और मजबूती से साथ लड़े। जी दिग्विजय जी, जिस तरह से संगठनात्मक बैठक हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जो पहुंचे थे, जजपा की भी तमाम पदाधिकारी आए हैं, क्या बैठक का एजेंडा रहा? आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री दुष्यंत जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ साहब और कोर कमेटी की एक इम्पॉर्टेंट बैठक पंचकुला में हुई है, जिसमें सभी बर्निंग इश्यूज़, सभी करंट इश्यूज़ पर खुल करके चर्चा हुई। दोनों पार्टियों के अच्छे सामन्वय को लेकर के चर्चा हुई। निकट भविष्य में होने वाले उपचुनाव, आने वाले निकाय के चुनाव, पार्लियामेंट के इलेक्शन और उसके साथ साथ हिमाचल के इलेक्शन पर भी कई विषयों पर चर्चा हुई। बहुत सकारात्मक बैठक रही, सब ने अपने विचार रखे और मुझे ये लगता है कि भविष्य के अंदर इस बैठक के पश्चात दोनों पार्टियां और मजबूती से एक साथ हरियाणा के अंदर आगे बढ़ेंगी। जो आने वाले चुनाव हैं उसमें दोनों पार्टियां मिलकर के और मजबूती से साथ लड़े, उस पर भी जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपनी बात रखी और सभी लोगों ने अपने विचार रखे। धन्यवाद।